हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीजनल गार्डनिंग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो मैंने बीटे मिलन यानी करेले के पौधे पर बनाया है। करेले हर जितना कड़वा होता है उतना ही काफ़ी गुणकारी भी होता है। तो करेले का पौधा अभी तक आपने नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाइए, क्योंकि करेले की हार्वेस्टिंग ही इसी टाइम में होती है। रेनी सीज़न में काफ़ी करेला उगाया जाता है, और अगर आप इस सीज़न में करेला नहीं उगाते, मिस कर देते हैं, तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर के सीज़न में ही करेला मिल पाएगा, उगा सकते हैं आप। तो आप अगर सोच रहे हैं करेला उगाने का, तो जल्दी से उगाइए। तो कितने इंची के करेला कितने इंची के पॉट में उगाएं और कैसे इसकी देखभाल करें रेनी सीज़न में, तो आज का वीडियो आपको आखिरी तक देखना होगा। अभी तक दोस्तों आपने मेरे चैनल सीजनल गार्डनिंग को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और मेरे चैनल सीजनल गार्डनिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल आइकन को आप जैसे ही दबाते हैं, वैसे ही आपको मेरी जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो है उसका अपडेट नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन में जल्दी मिल पाएगा। तो आप सामने ये जो करेले के करेला देख रहे हैं, ये एक्चुअली दोस्तों काफ़ी पक गया था और ये ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो गया। इसके बीज बहुत पक गए हैं, रेड रेड कलर के आपको अंदर इसके बीज दिख रहे होंगे। इन्हीं बीजों को मैंने गमले में डालकर करेला उगाया है। अगर आप बीज भंडार से करेले के बीज लाना चाहते हैं तो वहाँ से भी ला सकते हैं। 10 से 20 रुपये में आपको ढेर सारे बीज करेले के मिल जाएंगे। करेला बहुत गुणकारी होता है, हमारी पाचन तंत्र को भी काफ़ी अच्छा हेल्पफुल रखता है। हमारे पाचन तंत्र में जितनी भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, हमारे पेट वगैरह समस्या आ रही है पेट वगैरह में, तो ये हमारे पेट वगैरह को भी काफ़ी इसका जूस फ़ायदेमंद रहता है। और करेले का जूस फेट अगर बढ़ रहा है, अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है, आप मोटे हो रहे हैं, तो आप एक गिलास नींबू डालकर इसका जूस भी पी सकते हैं। अगर एक गिलास नहीं पीना चाहते तो इसको आप आधा गिलास पी सकते हैं, ये हाफ गिलास भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो इससे फेट जो है फेट है आपका मोटापा है वो कम होने लगता है। और ये मैंने बीच मेरे पास वेस्ट बोरी रखी हुई थी, उसी में ये मैंने करेले का पौधा ग्रो करा है। ये मैंने 1 से 2 महीने हुए हैं इसको, और अभी इसमें ढेर सारे करेले आ रहे हैं। मैं इसकी 15 दिन में इसकी खाद इसमें डाल देती हूँ। 15 दिन में इसकी खाद डालती हूँ इसमें, और थोड़ी थोड़ी मिट्टी में गुड़ाई कर देती हूँ ताकि करेले जो हैं वो अच्छी भारी मात्रा में और ढेर सारे आएँ। और करेला जो ये है वो देसी करेला है, बड़े वाले करेले नहीं हैं। अगर आप देसी करेला ऐसे बहुत पसंद करते हैं तो इस तरीके से उगा सकते हैं ये गमले में। गमले में अगर उगाना चाहते हैं तो आप 14 से 16 इंची का गमला लीजिए। 14 से 16 इंची के गमले में आसान तरीके से करेला उग जाता है। और अगर आप बोरी में उगाना चाहते हैं, कोई भी आपके पास वेस्ट आटे की बोरी हो या फिर कोई सीमेंटेड बोरी पड़ी हो, कोई भी आपकी गेहूं की बोरी हो, कोई भी बोरी पड़ी हो वेस्ट, आप उसमें भी उगा सकते हैं आसानी से। तो मेरे पास वेस्ट बोरी रखी थी, मैंने उसी में ही उगाया है करेले का पौधा। साइड में चारों तरफ बीच में लकड़ियाँ लगा दें, अगर कोई आपके पास वेस्ट लकड़ियाँ पेड़ पौधों की रखी हो तो वो लगा दें, उसी पे ही करेले की बेल आसानी से चलती जाती है। और करेला तो इतना गुणकारी है कि आप इसकी सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है, इसके परांठे भी बनते हैं, पकोड़े बनते हैं, और इसकी जो सब्ज़ी प्याज वगैरह डाल के काफ़ी टेस्टी भी लगती है। तो मैंने करेले को इस तरीके से उगाया है और इसकी हार्वेस्टिंग भी काफ़ी अच्छे से हो रही है। बस इसका आपको अगर आप इसका अच्छे से ध्यान रखते हैं तो आपको करेला रेनी सीज़न में काफ़ी भारी मात्रा में अच्छी हार्वेस्टिंग दे सकता है। और ये ना ज़्यादा खर्चीला वाला पौधा भी नहीं है। इसमें आपको ज़्यादा तामझाम भी नहीं करना, ज़्यादा खर्चे भी नहीं करना, ये कम पैसों में ही बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग देता है। और अगर करेले के पौधे में कीड़े भी बहुत जल्दी लगते हैं दोस्तों, तो अगर कीड़े लग रहे हो तो आप नीम स्प्रे कीजिए। नीम स्प्रे बनाने का जो तरीका है वो, अगर आपके आसपास कड़वी नीम का पेड़ लगा है तो आप कड़वी नीम के पत्ते तोड़ के ले आइए, 1 लीटर पानी में उन पत्तों को डालकर अच्छे से खूब उबालिए और स्प्रे बॉटल में उस पानी को भर के रख दीजिए, और उस पानी से ही आप
हफ्ते भर में इसको स्प्रे कर सकते हैं। हफ्ते में अगर आप 2 से 3 बार भी स्प्रे कर देंगे तो आपका जो पेड़ है वो कभी ख़राब नहीं होगा। और इसमें जो खाद है वो गोबर की डालिए दोस्तों। गोबर की खाद यानी जो गाय के कंडे से बनती है। गाय के तबेले में जाकर आप जो कंडा है गाय के गोबर से, गोबर का जो कंडा रहता है, उस कंडे की खाद डालेंगे पेड़ पौधों में तो काफ़ी अच्छी रहती है। इससे पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं और बहुत जल्दी ग्रो होते हैं और बहुत जल्दी बढ़ते भी हैं। इनका जो इंक्रीजिंग लेवल है बहुत जल्दी बढ़ता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल सीजनल गार्डनिंग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।